नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश यूटेक में, एग्जीक्यूटिव या फिर UPTU। देखिए, इस वक्त मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आज से करीब 6-7 महीने पहले, जिसमें मैंने और सेम के एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे उसका पूरा फीस प्रोसीजर पे करना है, उन सारी चीज़ों को एक कम्प्लीट वे में समझाया था। लेकिन इस वक्त आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इवन सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसका डेट आ चुका है। 20 जून के पहले आपको किसी भी कीमत पर एनी हाउ आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, और एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है अगर आप भरना नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि AKTU का आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है वो भी सही सही बेहद आसानी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। A to Z जानकारी दूंगा फुल डिटेल में। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा तो चीज़ों को समझना आपके लिए आसान होगा अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया विलंब ना करो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मेंशन कर दिया है, प्रकाश दुबे 11 इंस्टा आईडी है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं कि ERP के ऑफिशियल जो AKTU का ERP लॉगिन पोर्टल है वहाँ पे अपन लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे जैसे आप आएंगे आपका जो भी रोल नंबर है या फिर यूज़र आईडी है उस चीज़ को डालेंगे, उसके बाद आपका एक पासवर्ड होगा स्पेसिफिक, उस पासवर्ड को आपको डालना है। जैसे आप उस पासवर्ड को डालेंगे यहाँ पे देखिए आप नॉट रोबोट पर क्लिक करना है सिंपल सा। तो चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर लॉगिन करके आगे की प्रोसीजर को भी आपको समझा देते हैं। तो गाइस यार, जैसे आप अपना पासवर्ड जो है उसको डाल देंगे सही से, अपना जो भी आपका रोल नंबर उस चीज़ को फिल करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, कैसे फिर से पासवर्ड को रीसेट करना है नहीं जानते हैं, तो लिंक में एक वीडियो मिल जाएगा, उसको जाइए देखिए। उसमें वीडियो में मैं अच्छे से बताया हूँ, समझाया हूँ कि कैसे पासवर्ड को रीसेट किया जाता है। तो गाइस यहाँ से आप माई प्रोफाइल में जाके अपने जो भी प्रोफाइल स्टेटस है उस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन लोग के काम का क्या है उसको अपने लोग को करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड, जी हाँ गाइज, अपन लोग को एग्जाम फॉर्म का जो है वो फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाइज यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ कि आपको एग्जाम फॉर्म भरना है कब तक, 20 जून 2021 तक रात को 12 बजे, और ये स्टार्ट हो गया था 7 जून 2021 को। तो यहाँ पर जैसे केस में आपको देखिए एग्जाम फॉर्म भर देना है। यहाँ पर देखिए पेमेंट जो है वो दोबारा इसलिए नहीं करना होगा क्योंकि आउट सिम में आपने एक बार पेमेंट कर दिया है, और एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिंपल सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बॉक्स में कर देता हूँ, गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, गो एक्शन पे, और सिंपल सा इसी पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल गया है जिसमें आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो गाइस इसमें जो भी मेरा मतलब एड्रेस है सब कुछ दिया हुआ है, और पिन कोड भी दिया हुआ है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा बस अपने सब्जेक्ट को चुन लेना है। अगर आपका सब्जेक्ट जैसे आप फाइनल ईयर के छात्र हैं तो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे, अदरवाइज़ कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कैरी ओवर का अगर आप सब्जेक्ट चुनना चाहें तो दे सकते हैं, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो जिसको आपने अभी तक क्लियर ना किया हो। तो यहाँ पे कोई कैरी ओवर का नहीं है, देखिए जिन छात्रों का कैरी ओवर का यहाँ पे हो प्लीज़ आप यहीं से कैरी ओवर का भर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रहा हूँ कि कैरी ओवर का कैसे करना है, लेकिन हाँ एकदम नॉर्मल पे समझ सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा 8 सब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप अपना कैरी ओवर का जो भी फॉर्म है उस चीज़ को आप लोग यहाँ से भर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर इन चीज़ों को आप देख रहे होंगे बखूबी। अब चलिए यहाँ से आप देख लेते हैं कि चीज़ों हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन सा है, सब कुछ ओके है। यहाँ से एक बार फिर से स्लाइड्स रोटेट करते हैं और अपन लोग चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो फिर अपन लोग को सिंपल सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सब्जेक्ट देख सकते हैं, जो भी गाइस सब्जेक्ट है उन चीज़ को दिया हुआ है और सब रेगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंपल से यहाँ पे दिया हुआ सबमिट एग्जाम फॉर्म, बहुत ही स्टेप इजी स्टेप प्रोसीजर है, आप हर कोई कर सकता है बेहद आसानी से। फालतू का आप साइबर पर जाएंगे पैसे खर्च करेंगे, इससे अच्छा आप मोबाइल पर घर बैठे या फिर आपके पास PC लैपटॉप हो कहीं से भी आप इसको आसानी से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आपसे एक बार पूछा जाएगा कि क्या आप रेडी हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म जो आपने भरना था उसके लिए आपने जो भी प्रवृत्तियाँ थी उन चीज़ को पढ़ लिया है। तो जी हाँ हमने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई गलती तो नहीं है आपके एग्ज़ाम फॉर्म में। अगर कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार में लाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। तो गाइस जैसे मैं ओके पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद जो मेरा एग्ज़ाम फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए फिल हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए BP401T का काइंडली कॉन्टैक्ट योर कॉलेज, यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है, कई छात्रों का ये प्रॉब्लम दिखाएगा, कह रहा है कि अभी आपका जो अटेंडेंस है वो चढ़ाया नहीं गया है 401T का।
तो यहाँ पे जो भी मतलब है उस चीज़ को जाइए चेक कीजिए और उसके बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाना पॉसिबल होगा। तो गाइज़ यहाँ से आप सिंपल सा अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है उस चीज़ को भर सकते हैं, वो भी बेहद आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एग्ज़ाम फॉर्म भरना सीख गए होंगे। तो गाइज़ यार इस वीडियो में इतना ही, आप बेहद आसानी से एग्ज़ाम फॉर्म को भरना सीख गए होंगे। एग्ज़ाम फॉर्म भरने वक्त आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका बैक लगा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी पर्सनल इशू है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे से डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हैं या फिर मैसेज करके चैटिंग के थ्रू आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व आउट करने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के पास, जिससे उनको भी मालूम चल सके कि एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे सही सही फिलअप करना है। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो गाइस जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।